हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 20 मार्च 2019 और यह हमारी 105वीं क्लास है। 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप नोट कर लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किस देश में ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ब्राजील। हाल ही में ब्राजील में ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन किया गया है। अब ये ब्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में आपको बता दें। ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स देश हैं। आपको बता दें, इसका ब्रिक्स देशों का पहला समिट 2009 में आयोजित किया गया था और अब हाल ही में ब्राजील में ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन किया गया है 2019 में। आपको बता दें, ब्रिक्स शेरपा बैठक में भारत की तरफ से TS त्रिमूर्ति ने हिस्सा लिया है। तो इतना आपको ब्रिक्स के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में किसने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं? तो इसका सही ऑप्शन है NGT। हाल ही में NGT ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि ध्वनि प्रदूषण को कम से कम किया जाए और इसका समाधान 3 महीने के वक्त में किया जाए। आपको बता दें, ध्वनि प्रदूषण से बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण NGT ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ये निर्देश जारी किए हैं। अब ये NGT क्या है, आपको इसके बारे में बता दें। NGT का फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। NGT के हेड आदर्श कुमार गोयल हैं। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको NGT के बारे में बता दें, हाल ही में NGT ने रेलवे मंत्रालय को भी निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि 39 इको स्मार्ट स्टेशन बनाएं। इसमें मध्य प्रदेश का भोपाल और जबलपुर भी शामिल किया गया है 39 इको स्मार्ट स्टेशन में। तो इतना आपको NGT के बारे में याद रखना है। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और रेलवे मंत्रालय को निर्देश जारी किए हैं NGT ने। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में अपेंडिक्स 19 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका सही ऑप्शन है महाराष्ट्र। हाल ही में अपेंडिक्स 19 का आयोजन महाराष्ट्र में किया जा रहा है। यह एक युद्धाभ्यास है जो भारत और 16 अफ्रीकी महाद्वीप देशों के साथ किया जा रहा है। अब ये महाराष्ट्र में आयोजित किया जा रहा है, तो मैप में आपको महाराष्ट्र के बारे में बता दें। ये जगह है महाराष्ट्र को दर्शाती है। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 में की गई थी। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं विद्यासागर राव। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। तो इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। और हाल ही में अपेंडिक्स 19 का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाल ही में किसे यंग चेंज मेकर कैटेगरी के लिए बिजनेस लाइन चेंज मेकर 2019 अवार्ड दिया गया है? जिसका सही ऑप्शन है अंजू वर्मा, कुश और अर्जुन पांडे। इन तीनों जन को यंग चेंज मेकर कैटेगरी के तहत बिजनेस लाइन चेंज मेकर 2019 अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें, अंजू वर्मा विशेष बच्चों को शिक्षा देने के बढ़ावे को काम किया है और हाल ही में कुश और अर्जुन पांडे ने एक स्काउट नाम का ऐप लॉन्च किया है, जिसके कारण इन्हें बिजनेस चेंज मेकर 2019 में यंग कैटेगरी में अवार्ड दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान ने QR कोड जारी किया है? जिसका सही ऑप्शन है वन विहार नेशनल पार्क। हाल ही में वन विहार नेशनल पार्क ने QR कोड जारी किया है। आपको बता दें, इसके अलावा वन विहार नेशनल पार्क ने अपनी वेबसाइट भी जारी की है। अब बात आई है वन विहार नेशनल पार्क की, तो आपको इसके बारे में बता दें, इसकी स्थापना 18 फरवरी 1979 यानी 1979 में की गई थी और वन विहार नेशनल पार्क का जो एरिया है वह 4.48 वर्ग किलोमीटर है
और यह भोपाल में स्थित है। आपको बता दें, वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। अब ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी है। आपको इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बाघों की प्रजनन दर दुनिया में सबसे सर्वाधिक बांधवगढ़ नेशनल पार्क में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया में स्थित है। तो इन दोनों के बारे में इतना याद रखना है। और हाल ही में मध्य प्रदेश में वन विहार नेशनल पार्क ने QR कोड जारी किया है, जो देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसने यह QR कोड जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश में 401 मीटर लंबी टेबल पर खाना खाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही ऑप्शन है फ्रांस। हाल ही में फ्रांस में लोगों ने 401 मीटर लंबी टेबल पर बैठकर खाना खाके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें, इसका आयोजन फ्रांस के रुंगिस इंटरनेशनल मार्केट के 50 वर्ष पूरे होने पर किया गया है। यह मार्केट दुनिया का थोक मार्केट का सबसे बड़ा बाजार है। आपको बता दें, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लगभग 2000 लोगों ने इस 401 मीटर लंबी टेबल पर बैठकर खाना खाया है। अब ये रिकॉर्ड फ्रांस में बना है। तो मैप में आपको फ्रांस के बारे में बता दें, ये जगह है फ्रांस को दर्शाती है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रोन। तो इतना आपको फ्रांस के बारे में याद रखना है। और हाल ही में 401 मीटर लंबी टेबल पर खाना खाकर लोगों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी फ्रांस में ही बनाया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने इंडियन वेल्स टूर्नामेंट जीता है? जिसका सही ऑप्शन है डोमिनिक थियम। हाल ही में पुरुष कैटेगरी में डोमिनिक थियम ने यह इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट अपने नाम किया है। यह पुरुष कैटेगरी में इन्होंने जीता है। तो महिला कैटेगरी में वियंका आंद्रेस्कू ने यह इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट अपने नाम किया है। आपको बता दें, डोमिनिक थियम ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं और इन्होंने रोजर फेडरर को हराकर यह टूर्नामेंट अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में दुनिया की पहली VR क्रिकेट लीग कहां शुरू हुई है? इसका सही ऑप्शन है मुंबई। हाल ही में दुनिया की पहली VR क्रिकेट लीग मुंबई में शुरू हुई है। अब ये VR क्या होता है, इसके बारे में आपको बता दें, इसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल रियलिटी। आपको बता दें, VR टेक्नोलॉजी पर आधारित यह एक क्रिकेट लीग है, यानी एक गेम है जिसमें आप मैदान, पिच, गेंदबाज आदि को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें वीरेंद्र सहवाग, सुरेश रैना, हरभजन सिंह जैसे बड़े खिलाड़ियों ने इस VR क्रिकेट लीग में हिस्सा लिया है। तो आपको याद रखना है, यह क्रिकेट लीग हाल ही में मुंबई में शुरू हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? जिसका सही ऑप्शन है रमन पटेल। हाल ही में रमन पटेल को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में प्रमोद सावंत किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? जिसका सही ऑप्शन है गोवा। प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। आपको बता दें, हाल ही में गोवा के CM मनोहर पारिकर जी का निधन हुआ। ये गोवा के सबसे ज्यादा बार, यानी मनोहर पारिकर सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री रहने वाले CM थे। इसके बाद हाल ही में प्रमोद सावंत को गोवा का मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो आपको मैप में गोवा के बारे में बता दें, ये जगह है गोवा को दर्शाती है। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 में की गई थी। गोवा के गवर्नर हैं मृदुल सिन्हा। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गोवा की राजधानी है पणजी। आपको बता दें, प्रमोद सावंत गोवा के 11वें मुख्यमंत्री होंगे। तो इतना आपको इनके बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस भारतीय लेखक को बिडहम कैंपबेल पुरस्कार दिया गया है? जिसका सही ऑप्शन है रघु कर्नाड। हाल ही में रघु कर्नाड को बिडहम कैंपबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्हें इनकी बुक द फर्थेस्ट फील्ड एन इंडियन स्टोरी ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इस बुक के लिए रघु कर्नाड को
यह पुरस्कार दिया गया है। अब ये बिडहम पुरस्कार कहाँ दिया जाता है तो इसके बारे में आपको बता रहे हैं। बिडहम पुरस्कार अमेरिका के येल विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है और इस पुरस्कार की स्थापना 2013 में की गई थी और हाल ही में रघु कर्नाड ने, जो एक भारतीय लेखक हैं, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किसे कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है? जिसका सही ऑप्शन है ब्रह्मपाल सिंह और राजेंद्र कुमार नैन। हाल ही में इन दोनों जन को मरणोपरांत राष्ट्रपति जी द्वारा कीर्ति चक्र से नवाजा गया है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम आपके साथ फिर मध्य प्रदेश और वर्ल्ड के इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।